Hi friend, this is Taukeer Alam here. Today we are going to know what the difference between buying and purchasing. Friends, मेरे दो सब्सक्राइबर हैं और आपका नाम है हरीश परियानी और सुधीर. आप दोनों ने कमेंट बॉक्स में पूछा कि बाइंग और परचेजिंग में क्या फर्क है, जबकि दोनों का मतलब खरीदना होता है. तो आइए फ्रेंड्स सीखें कि बाइंग और परचेजिंग में क्या फर्क है. Buying and purchasing are two terms are often used interchangeably. The two words essentially have same meaning, but they do differ in context. Friends, what buying or purchasing? दोनों का meaning एक ही होता है, खरीदना. और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों interchangeable हैं. यानी हम buying की जगह पर purchasing और purchasing की जगह पर buying का यूज कर सकते हैं. हालांकि ये दोनों words interchangeable हैं, फिर भी इनमें कुछ differences हैं. चलिए देखिए वो क्या differences हैं. Friends, buying is considered a general term which is most commonly used to refer to everyday goods and commodities. Friends, खरीदने के लिए word buying का use हम general terms में करते हैं. यानी generally कोई चीज खरीदने के लिए हम buying का use करते हैं. और word buying का use हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में खरीदे जाने वाले products के लिए करते हैं. आइए अब परचेजिंग के बारे में समझते हैं. परचेजिंग इज ऑफन यूज टू रिफर टू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिग प्रोडक्ट्स. फ्रेंड्स, वर्ड परचेजिंग का यूज हम किसी कॉन्ट्रैक्ट्स या कोई बड़ी खरीदारी के लिए करते हैं. वेयर एज बाइंग इज इन्फेरेड फॉर स्मॉल प्रोडक्ट्स. वहीं दूसरी तरफ हम बाइंग का यूज छोटे छोटे सामानों को खरीदने के लिए करते हैं. तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यह बात समझ में आ रही होगी कि बाइंग का यूज हम रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए करते हैं, या अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले सामान को खरीदने के लिए हम वर्ड बाइंग का यूज करते हैं, और वर्ड परचेजिंग का यूज हम कोई कॉन्ट्रैक्ट्स या किसी बड़े प्रोडक्ट को खरीदने के लिए करते हैं. आइए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझें. फ्रेंड्स, हमारा पहला एग्जाम्पल है, आई परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड. मैंने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा, या मैंने थोड़ा सा जमीन खरीदा. तो फ्रेंड्स, यहां पर हम खरीदने के लिए परचेज्ड का यूज किए, क्योंकि जमीन का खरीदना या किसी बिग प्रोडक्ट को खरीदने जैसा होता है. तो यहां हम खरीदने के लिए परचेज का यूज किए. लेकिन यहां लिखा हुआ है I bought a new mobile. यहां हम खरीदने के लिए bought का यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि मोबाइल खरीदना, फोन खरीदना, ये एक बहुत बड़ा डील नहीं होता. इस तरीके की खरीदारी हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है. तो रोजमर्रा के लाइफ में आने वाले प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हम बाइंग या bought का यूज करते हैं. bought बाइंग का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है. She purchased a new building. यहां हमने खरीदने के लिए परचेज का यूज किया, क्योंकि बिल्डिंग खरीदना ये किसी बिग प्रोडक्ट को खरीदने जैसा है, इसलिए हम यहाँ पर परचेज का यूज करेंगे. लेकिन अगर मैं कहूँ सी इज बाइंग अ न्यू चेयर, तो यहाँ पर वर्ड बाइंग करेक्ट है. क्यों? क्योंकि चेयर खरीदना यह एक बिग प्रोडक्ट में नहीं आता है. यानी यह छोटे छोटे प्रोडक्ट्स खरीदने जैसा है. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आया होगा कि छोटी छोटी प्रोडक्ट को खरीदना या डेली लाइफ में यूज होने वाले प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हम बाइंग का यूज करते हैं, जबकि किसी बड़े प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हम वर्ड परचेजिंग का यूज करते हैं. और फ्रेंड्स, यहां लास्ट में मैं आपको एक और बात बता दूं कि द वर्ड परचेजिंग इज मोर फॉर्मल देन बाइंग. फ्रेंड्स, बाइंग की तुलना में वर्ड परचेजिंग कहीं ज्यादा फॉर्मल होता है. उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको बाइंग और परचेजिंग का यूज समझ में आया होगा. फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में. तब तक के लिए बाय. फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपका नाम है रंजीत कुमार. आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि वर्ड रिमेन का क्या यूज है, यानी हमें इसे कैसे यूज करना है. तो आइए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में वर्ड रिमेन का यूज देखते हैं. फ्रेंड्स, वर्ड रिमेन का यूज हम दो कंडीशन में करते हैं.
आइए एक एक करके दोनों कंसेप्ट समझें। सबसे पहले हम वर्ड रिमेन का यूज बचे रहना या बाकी रहने के सेंस में देखेंगे। क्यों? क्योंकि वर्ड रिमेन का यूज बचे रहना या बाकी रहना भी होता है। जैसे फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल लिखा हुआ है ताकि मैं आपको अच्छा से समझा सकूं। ओनली 5 मिनट्स रिमेन इन द गेम, यहाँ पर हमने वर्ड रिमेन का यूज किया जिसका मतलब हुआ कि बचता है। इस सेंटेंस का मीनिंग है सिर्फ 5 मिनट्स इस गेम में बचता है, यानी सिर्फ 5 मिनट इस गेम में बाकी है या बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, वर्ड रिमेन का यूज हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई चीज बची हुई है या फिर बाकी है। जैसे ओनली 2 वर्कर्स रिमेन इन द फैक्ट्री व्हेन आई मूव देयर, जब मैं वहां से चला तो फैक्ट्री में सिर्फ 2 वर्कर्स बचे थे। यानी जब मैं वहां से चला तो उस फैक्ट्री में सिर्फ 2 वर्कर्स बाकी थे या 2 वर्कर बचे हुए थे। तो फ्रेंड्स, आपने यहां देखा कि वर्ड रिमेन या वर्ड रिमेंड का यूज बचे रहना या बाकी रहने के सेंस में हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि पर्स में सिर्फ 10 रुपये बचे हैं तो आप यहां वर्ड बचे रहने के लिए रिमेन का यूज करेंगे। आप कहेंगे ओनली 10 रुपीज हैव रिमेंड इन द पर्स। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मेरे गांव में सिर्फ 50 लोग बचे हैं तो यहां पर बचे रहने के लिए आप वर्ड रिमेन का यूज करेंगे। आप कहेंगे ओनली 50 पीपल हैव रिमेंड इन माई विलेज। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि सिर्फ 2 कार बचा हुआ है तो आप कहेंगे ओनली 2 कार्स हैव रिमेंड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो सिर्फ आइसक्रीम बचा या सिर्फ आइसक्रीम बचा था तो आप यहां पर बचे रहने के लिए वर्ड रिमेन का यूज करेंगे। ओनली आइसक्रीम रिमेंड, आप यहां रिमेन का पास्ट फॉर्म रिमेंड का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बात गुजरी हुई है और गुजरी हुई बात हम सेकेंड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट करते हैं। ये बात मैंने आपको पार्ट 7 में सिखाया। आइए फ्रेंड्स, रिमेन का दूसरा यूज देखते हैं। फ्रेंड्स, वर्ड रिमेन का दूसरा यूज बने रहना या बरकरार रहना के लिए भी किया जाता है। जैसे द सोल्जर्स वर ऑर्डर टू रिमेन एट देयर पोस्ट। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि सैनिकों को ऑर्डर दिया गया कि वे अपने पोस्ट पर बने रहें या वे अपने पोस्ट पर कायम रहें। तो यहां वर्ड रिमेन से बने रहना या कायम रहना या बरकरार रहने का पता चला। तो फ्रेंड्स, जब हमको कहना हो कि बने रहो, कायम रहो, जारी रहो या बरकरार रहो तो हम वर्ड रिमेन का यूज करते हैं। धोनी रिमेंड विद द मैच टिल द लास्ट बॉल। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि धोनी लास्ट बॉल तक मैच के साथ बना रहा। यह वर्ड रिमेन का यूज बने रहने या बरकरार रहने के लिए हुआ है। यानी इस सेंटेंस से पता चला कि धोनी लास्ट बॉल तक मैच के साथ बरकरार रहा, मैच के साथ बना रहा या मैच के साथ कायम रहा। फ्रेंड्स, यहां एक नया एग्जांपल देखते हैं। द चिल्ड्रन रिमेंड साइलेंट, बच्चे चुप रहे। तो फ्रेंड्स, यहां पर वर्ड रिमेन का यूज किसी काम को बरकरार रहने या किसी काम को जारी रखने के सेंस में हुआ है। बच्चे चुप रहे यानी बच्चों ने चुप्पी कायम रखी, बच्चे चुप रहने का काम बरकरार रखे या बच्चे चुप रहने का काम जारी रखे। तो फ्रेंड्स, वर्ड रिमेन का यूज बने रहना, कायम रहना या जारी रखने के सेंस में करते हैं। शी रिमेन्ड इन लंदन आफ्टर शी फिनिश्ड कॉलेज, वह अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद लंदन में बनी रही या लंदन में रहना जारी रखी। यानी फ्रेंड्स, यहाँ वर्ड रिमेन से ये पता चला कि उसके कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बावजूद भी वह लंदन में बनी रही या वह इस जगह पर कायम रही। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्ड रिमेन का यूज अच्छा से समझ में आया कि वर्ड रिमेन का यूज हम 2 कंडीशन में करते हैं। पहला,
जब हमें कहना हो बाकी रहना या बचे रहना, और दूसरा जब हमें कहना हो कायम रहना, जारी रहना या बने रहना। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा।